अनुराग ठाकुर के केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने पर उनके पिता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खुशी जताई है। धूमल ने अनुराग ठाकुर को मंत्री बनने पर बधाई दी और इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। धूमल ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2024 के चुनावों के लिए युवा ब्रिगेड तैयार की है, जिसके परिणाम अच्छे होंगे। आने वाले भविष्य के लिए मोदी जी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे नौजवान लोगों को तैयार करेंगे और उनको पूरा प्रशिक्षण देकर एक शानदार टीम खड़ी करेंगे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सफलता दिलाएगी और भारत को भी विश्वगुरु बनाने की ओर, एक विश्व शक्ति बनाने की ओर काम करेंगे। तो नौजवानों की उसमें टीम में निश्चित तौर पर मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में अच्छा काम करने की शक्ति होगी, तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। इससे पूर्व बीती रात अनुराग समर्थकों ने हमीरपुर में गांधी चौक पर खूब पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर भाजपा नेता नरेंद्र अत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं का सम्मान बढ़ाया है। जो नया दायित्व देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की टीम में मिला है, इस दायित्व के मिलने से उनके प्रदेश में, उनके गृह जिला में खुशी का माहौल है। आपने देखा किस तरह कार्यकर्ता पटाखे चलाकर, मिठाई आपस में बांटकर, एक दूसरे को बधाइयां देकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जिस तरह अनुराग ठाकुर जी ने पिछले दो दशकों में पार्टी में, विभिन्न संगठनों में व सरकार में काम करके अपने दायित्व का निर्वाह किया है और देश के ही नहीं पूरे विश्व के नेता श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी की टीम में उनको फिर से बड़े स्थान पर काम करने का मौका मिल रहा है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता जो उनके जिला का है, उनके प्रदेश का है, वो पूरे देश में जिन्होंने उनके साथ काम किया है, इस उनके दायित्व को मिलने से गौरवान्वित महसूस कर रहा है।